अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन फरीद ब्लॉग्स। आज मैं आपके लिए जिस गाड़ी की वॉक अराउंड वीडियो लेके आया हूँ वो है सुजुकी कल्टस। ये सुजुकी कल्टस का VXR वेरिएंट है। और अगर गाड़ी के हम फ्रंट के बारे में बात करें तो फ्रंट पे आपको हेलोजन हेडलाइट्स मिल जाती हैं, पार्किंग लैम्प्स भी इसके हेलोजन और इंडिकेटर्स भी। अगर नीचे आ जाए तो इसके अंदर आपको फॉग लाइट्स नहीं मिलती, जो VXL मॉडल आता है उसके अंदर आपको फॉग लाइट्स मिलती हैं। साथ जो VXL और इसमें मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे इसके अंदर आपको क्रोम नहीं मिलता, जो VXL मॉडल है उसके अंदर आपको फ्रंट पे क्रोम मिल जाता है यहाँ पे ग्रिल में। उसके बाद अगर इसकी साइड्स पे आ जाएँ तो साइड में इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं, हैं ये भी 14 इंच के। जो आपको VXL मॉडल है उसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, तो ये इसके अंदर डिफरेंस है। साथ इसमें आपको यहाँ पे बॉडी कलर, साइड मिरर्स और डोर हैंडल्स नहीं मिलते VXR के अंदर, जबकि VXL के अंदर आपको बॉडी कलर्स, साइड मिरर्स और डोर हैंडल्स मिलते हैं। अगर गाड़ी की बैग पे हम आ जाएँ तो बैग पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो बूट ओपनर है वो भी ब्लैक कलर का मिलता है, आपको बॉडी कलर का नहीं मिलता। और इसके अंदर पीछे ABS का स्टिकर भी नहीं है, इसका ये मतलब है कि इसके अंदर आपको जो है वो ABS ब्रेक्स भी नहीं मिलती। तो ये ओवरऑल गाड़ी का एक्सटीरियर है। अब गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं। तो अब गाड़ी के अगर इंटीरियर के बारे में बात करें, सबसे पहले इसके अंदर आपको इम्बोलाइजर की मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पावर विंडो के स्विचेस मिल जाते हैं। और ये गाड़ी का इंटीरियर है। और इसके अंदर आपको जो है साइड मिरर्स जो है ये मैनुअल एडजस्टमेंट मिलती है, जबकि VXL के अंदर आपको ऑटो एडजस्टमेंट वाले साइड मिरर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर और VXL में जो मेन डिफरेंस है वो इसके अंदर एक तो स्टेयरिंग चेंज है, VXL के अंदर चेंज स्टेयरिंग है, इसके अंदर चेंज है। और इसके अंदर आपको एयर बैग्स नहीं मिलते, जबकि VXL के अंदर आपको एयर बैग्स मिल जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर चार्जिंग डॉक भी नहीं है, जबकि VXL में आपको चार्जिंग डॉक मिल जाती है। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो और VXL का ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिल्वर गार्निश मिल जाती है VXL में और वो AC वेंट्स के इर्द गिर्द, जबकि इसके अंदर आपको जो है वो सिल्वर गार्निश नहीं मिलती। उसके अलावा इसके अंदर आपको फ्रंट पर दो स्पीकर मिलते हैं और बैक स्पीकर भी नहीं मिलते, जबकि VXL में आपको बैक स्पीकर भी मिल जाते हैं और ABS ब्रेक भी मिल जाती हैं। और ओवरऑल सीटिंग जो है इसकी और VXL की दोनों की एक जैसी है, कोई इसमें इतना फ़र्क नहीं है। अब हम बैक सीट की तरफ चलते हैं। अगर हम बैक सीट्स के बारे में बात करें तो इसमें 4 पावर विंडोज है, जैसे मैंने आपको बताया। इसकी बैक सीट्स भी फ्रंट की तरह ही हैं। और एक और चीज़ जो इस गाड़ी में आपको नहीं मिलती वो बूट स्पेसर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी का जो बूट है उसके ऊपर स्पेसर कोई मौजूद नहीं है। जो VXL है उसके अंदर बूट स्पेसर, जिसे बैक ट्रे कहते हैं, वो उसके अंदर VXL में मिलती है। तो ये गाड़ी का ओवरऑल ओवरव्यू था। ये VXR मॉडल है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। अब VXL और VXR में जो डिफरेंसेज है वो यही है कि इसके जो साइड मिरर्स हैं वो ऑटो रिट्रैक्टेबल नहीं है, इसके अंदर ABS ब्रेक्स नहीं है, अलॉय रिम्स नहीं है, फॉग लैम्प्स नहीं है। उसके अलावा इसके अंदर आपको बैक डोर स्पीकर्स नहीं मिलते, बॉडी कलर, साइड मिरर, डोर हैंडल्स नहीं मिलते। और ये इसके मेन डिफरेंसेस थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।